अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। नए साल की शुरुआत में ही बॉलीवुड से एक दुखद खबर आई। सीनियर एक्टर कादर खान साल 2019 के पहले ही दिन दुनिया को अलविदा कह गए। इसी के साथ हिंदी फिल्मों के एक युग का अंत हो गया। साल भी शुरू हुआ है कि बॉलीवुड से एक और शोकिंग खबर आ गई है। वेटरन एक्टर और फिल्म मेकर राकेश रोशन कैंसर का इलाज करा रहे हैं। राकेश के बेटे ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और इस बात की जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की है। ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर पिता राकेश रोशन के साथ फोटो पोस्ट लिखते हुए बोला है कि मैं आज सुबह अपने डैड से एक फोटो मांगी, मुझे पता चला कि वो सर्जरी के दिन भी वर्कआउट नहीं मिस करेंगे। वो मेरी लाइफ के सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं। कुछ दिनों पहले ही हमें पता चला कि डैड को शुरुआती स्टेज का कैंसर हुआ है, लेकिन वो इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। एक परिवार की तरह हम खुशकिस्मत हैं कि हमें उनके जैसा लीडर मिला है। आपको बता दें कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने पिछले साल बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। सबसे पहले एक्टर इरफान खान ने खुद के कैंसर से जूझने का खुलासा जैसे ही सोशल मीडिया में किया तो चारों तरफ उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं होने लगी। इसके बाद सोनाली बेंद्रे को कैंसर होने की खबर आई। पिछले साल ऋषि कपूर भी न्यूयॉर्क में थे और अपने बीमारी का इलाज करा रहे थे और अब एक बार फिर राकेश रोशन को लेकर ये खबर आई है और अब सब फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर के हम सबके बीच पहुंचे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक ऐसी खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब लिंक पर जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।